स्टूडेंट, आज हम हमारा अगला टॉपिक ले रहे हैं द लूनार मंथ एंड डेज कॉल्ड एज तिथि. यू नो दैट इट टेक्स अ 14 to 15 डेज फॉर द न्यू मून टू अ फुल मून. एक न्यू मून से फुल मून होने के लिए वो मून को टाइम पीरियड कितना लगता है, 14 or 15 डेज. दिस इज द फोर्ट नाइट is called as an fortnight and of waxing a moon. After the full moon, the moon appears smaller and smaller, and after 14 to means full moon से फिर वो और full moon के बाद में वो moon क्या होते जाता और छोटा छोटा होते जाता. And after the 14 to 15 days, it new moon again. फिर और 14 to 15 days के बाद में फिर और न्यू मून तैयार होना शुरू हो जाता. दिस पीरियड ऑफ द फोर्थ नाइट ऑफ द वेनिंग मून दस द पीरियड फ्रॉम दस द 14 दिस पीरियड ऑफ द फोर्थ नाइट ऑफ द वेनिंग मून दस द पीरियड फ्रॉम द न्यू मून टू द नेक्स्ट इज 28 to 30 डेज. इट इज़ कॉल्ड एज द लूनार मंथ. ये मून को अभी फिर उसके बाद में के जो पीरियड आता न्यू मून का, यानी न्यू मून के बाद में यानी 18 to 30 डेज का, उनको उसको क्या बोलते हैं द लूनार मंथ. एंड एवरी डे ऑफ द लूनार मंथ इज कॉल्ड एज एन तिथि. बोलते द तिथि. दिस रोटेशन ऑफ अर्थ गिव्स राइज टू अ डे एंड नाइट. The revolution of Earth and the inclination of its axis gives rise to a cycle of season. इसकी वजह से ये सीजन के साइकिल आते रहते हैं. अभी a new moon से फुल मून होने के लिए उसको 15 डेज लगते हैं. उसको वो उसको बोलते हैं वैक्सिंग मून और शुक्ल पक्ष. उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष. अभी फुल मून से न्यू मून होने के लिए फिर और 15 डेज लगते हैं. उसको बोलते हैं द वैनिंग ऑफ मून और उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष. द फोर्थ नाइट ऑफ द वैक्सिंग मून प्लस फोर्थ नाइट ऑफ द वैनिंग मून इज इक्वल टू कॉल्ड एज एन लूनार मंथ. उसको बोलते हैं द लूनार मंथ. इस तरह से हमारा ये चैप्टर हो गया. अभी हम इस पे के कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं कि अभी पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा अमित वांट्स टू टेक हिज ग्रैनी ग्रैंड मदर ना टू ऑस्ट्रेलिया विच इज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. वो कहाँ पे है? साउथर्न हेमिस्फीयर पे ऑस्ट्रेलिया. बट शी कैनॉट बियर अ वेरी कोल्ड वेदर. व्हाई शुड दे मेक दिस ट्रिप. उसको कोल्ड जो वेदर है वो उसको सूट नहीं होता. तो उसके लिए फिर वो वेन फिर वो अपनी ट्रिप कब लेके जाएगा. अभी ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है? साउथ हेमिस्फीयर पे. अभी ये पीरियड में वहाँ पे मीन्स 23rd of September टू 22nd of March में वहाँ पे समर रहता. तो वो पीरियड में अमित जो है सो द अमित अग्रणी could be taken to the Australia during this period. So, ये period में वो उसके grandmother को जो ग्रैनी मीन्स grandmother को वो ये period में ले जा सकता है. यानी September to March ये period में कि उस समय वहाँ पर summer रहता. During the so the there is अभी ये period में ऐसा वो cold रहता. सॉरी हाँ. तो देर इज समर. सो द अमित ग्रैनी कुड नॉट बी टेक ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग दिस पीरियड. ये पीरियड में क्या रहता ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 23rd of September टू 22nd of March में देर इज समर. सो द अमित ग्रैनी कुड बी टेकन द ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग दिस पीरियड. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2nd of March टू 23rd of September देर इज अ विंटर. ये पीरियड में क्या आंसर रहता विंटर रहता. सो शी शुड अवॉइड गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया एज शी कैन नॉट बियर द कोल्ड. पीरियड में कोल्ड ये नहीं कर सकता. अभी ऐसा है
अभी सेकंड जो है, हाउ मेनी रोटेशंस डज द अर्थ कंप्लीट ड्यूरिंग द वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। अभी वो कितने रोटेशन कंप्लीट करेंगे अर्थ, जबकि उसका एक रिवोल्यूशन सन के अराउंड में कंप्लीट होता। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो रोटेशन कितनी करेंगी अर्थ, तो कितनी रोटेशन कंप्लीट करेंगी, 365 डेज एंड 1/4 डे ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। 1/4 मीन्स 6, मैंने 1/4 ऑफ वन डे के 1/4, यानी 1/4 ऑफ डे यानी कितने हो गए 6 आवर, यानी वो कितने रोटेशन कंप्लीट करेंगे 365 डेज एंड 6 आवर। सही ऐसा क्वेश्चन ये करने के हैं। फिर अभी ये जो अगले क्वेश्चन है कौन सा, इट इज़ अ सनराइज एट ईटानगर इन अरुणाचल प्रदेश, राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग सिटीज इन ऑर्डर टू इन विच द सन विल राइज देयर, राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग सिटीज इन ऑर्डर टू इन विच द सन विल राइज देयर। अभी इसमें सनराइज कब होगा अभी वो लिखने का है। अभी मुंबई महाराष्ट्र, सॉरी, अभी ये सनराइज जो है वेस्टर्न स्टेट में, द अर्थ जो रोटेट होती वेस्ट टू ईस्ट, देयरफॉर देयर वुड बी अ सनराइज इन द वेस्टर्न स्टेट अर्लियर। अभी पहले ईटानगर इन अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले कहाँ पे आएंगे, ईटानगर इन अरुणाचल प्रदेश, देन बाद में कोलकाता वेस्ट बंगाल, बाद में भोपाल मध्य प्रदेश, बाद में आएगा नागपुर महाराष्ट्र। फिर ये ऑर्डर में सनराइज हो रहेगा, फिर लास्ट में आता मुंबई महाराष्ट्र, यानी उसकी जो प्रॉपर ऑर्डर है वो ऑर्डर कैसे आएंगे, ईटानगर इन अरुणाचल प्रदेश, फिर बाद में कोलकाता वेस्ट बंगाल, फिर भोपाल मध्य प्रदेश, फिर आएगा नागपुर इन महाराष्ट्र, और लास्ट में आता मुंबई इन महाराष्ट्र। ये सीक्वेंस में सनराइज हो रहा है। अभी ये क्वेश्चन लेंगे, द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्सेल्फ इज कॉल्ड, जो एक्सिस में यानी द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्सेल्फ इज कॉल्ड एज एन रोटेशन। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्सेल्फ कॉल्ड एज एन रोटेशन, एंड अराउंड द सन कॉल्ड एज एन रिवोल्यूशन। जब वो खुद के एक्सिस में रोटेट होती तो हो गया वो रोटेशन, और कंप्लीट एक रिवोल्यूशन की जो अपन 365 डेज लेते उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। द रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या होता, डे और नाइट, डे एंड नाइट। अभी ये जो बाकी क्वेश्चन है हम कर लेंगे। थैंक यू।